हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पाइथन के इस वीडियो में खास क्या है, आज हम सीखेंगे रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में। अब ये रीड लाइंस क्या है और रीड लाइन क्या है, दोनों ही के बारे में डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे हमने एक फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसका नाम रखा है myTXT.txt, ठीक है, और इसमें कुछ लाइनें लिख दी हैं, यानी दो लाइन लिख दिया है मैंने, एक लाइन में कुछ लिख दिया, दूसरे लाइन में कुछ लिख दिया। जब हम रीड लाइन फंक्शन का यूज करेंगे, रीड लाइन मेथड का यूज करेंगे पाइथन में, तो वो खाली पहले लाइन को ही रीड करेगा, जबकि रीड लाइंस की बात करें तो वो दूसरे लाइन को भी रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। कैसे, यहां पर देखते हैं, ये myTXT नाम की फाइल हमने बनाई है, अब इसको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, यहां पर जब मैं myTXT फाइल को रन करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है हेलो वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथन नाउ लर्न सी, ये दोनों चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहां पर अभी केवल क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वी आर गोइंग टू स्टडी पाइथन, केवल यही प्रिंट हो रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे रीड लाइन यूज किया गया है। अगर मैं लाइंस कर देता हूं तो क्या होगा, ये लाइंस कर दिया, चलिए अब इसको रन करवा लेते हैं, रन करवाते वक्त हम सेव कर लेंगे। तो जैसे ही ये मैंने किया तो यहां पर देख सकते हैं नाउ लर्न सी, जो भी लिखा मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो जो भी लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंट हो रहा है ना, तो दोनों लाइंस प्रिंट हो रही है, एक नहीं दोनों लाइंस है, तो दोनों लाइन प्रिंट हो रही है। चलिए एक टेक्स्ट फाइल फिर से बनाते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूं, दोबारा से पाइथन को ओपन करता हूं, यहां से एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और पूरी डिटेल आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे ये होगा, ठीक है। एक बार डिटेल देख लेंगे तो काम हो जाएगा, ये रीड लाइन को अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे। जब आएगा तो खट से लिख दीजिएगा, इंटरवल एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपसे कि रीड लाइन क्या है, या फिर अगर आपको दे दिया जाता है कि ये रीड लाइन है, तो अब जो भी होता हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो यू आर विथ, यहाँ पे लिख दिया यू आर विथ मेरे साथ हो आप सभी लोग, तो ये लिख दिया सूरज सर, ठीक है, ये लिख दिया और एंटर कर दिया। फिर दूसरे लाइन में आते हैं, फिर लिखता हूं वी आर वी पाइथन, ओके, तो ये लिख दिया हमने दूसरे लाइन में। एक और लाइन लिख देते हैं, आई बात समझ में, यहाँ पे लिखता हूं आफ्टर आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ये लिख दिया स्टडी, और लिख देते हैं यहाँ पे सी, यानी सी प्रोग्रामिंग की स्टडी हम करेंगे इसके बाद, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल, एज अ टेक्स्ट फाइल में सेव कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे इसको नाम देना होगा sonu.txt, तो ये टेक्स्ट फाइल को अपने आप ले ही लेगा, तो ये टेक्स्ट फाइल है ही, आपको यहाँ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। sonu.txt के नाम से, सोनू के नाम से इसको सेव किया, यहाँ पे यस कर दीजिएगा और ये .txt अपने आप आ जाता है। तो ये तीन लाइन इसमें लिखी हुई है, तीनों लाइन क्लियर है। चलिए एक नई फाइल लेते हैं यहाँ से। अब हमको करना क्या है इस नई फाइल के अंतर्गत, क्योंकि हम फाइल को ओपन करने के लिए रीड लाइन और रीड लाइंस के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल ओपन, ओपन कर दिया, यहां से ओपन करेंगे ब्रैकेट को, और हमारा जो फाइल था वो सोनू के नाम से था, तो ये लिखा मैंने sonu.txt, क्या लिखना है .txt, ऐसे करके लिख देना है और डबल क्वोट कोट को क्लोज कर देना। जैसे ही क्लोज करेंगे तो हम इस फाइल को रीड भर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे R, लिख दिया, अब इसको बंद कर दीजिए, एंटर करके नीचे जैसे ही आइएगा तो प्रिंट करवा दीजिए। क्या प्रिंट करवाएंगे इसमें, तो प्रिंट करवाने के नाम पर हमको लिखना है F, यानी फाइल डॉट रीड लाइन। देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, रीड लाइन लिख रहा हूं, मैंने कि एक के वो लाइन रीड करेगा, दोनों लाइन नहीं रीड करेगा, ये एक ही लाइन रीड करेगा, जब भी रीड करेगा तो क्या करेगा, एक ही लाइन रीड करेगा, क्योंकि रीड लाइन एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन पहले इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस फिर क्लोज करेंगे, और फिर यहां पर लास्ट वाला जो ब्रैकेट यहां पे ऊपर होगा था इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको सेव करना है, रन करवाते वक्त ही सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको एक नाम से सेव कर देता हूँ .py लगा करके, तो देखेंगे कि ये खाली एक लाइन प्रिंट हो रहा है। मैंने यूज क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने रीड लाइन यूज किया है, ठीक है, और रीड लाइंस को यूज करने का क्या मतलब होगा, तो इस आउटपुट को क्लोज करता हूं, अब मैं रीड लाइन के बजाय खाली एस जोड़ देता हूं, इसमें एस जोड़ दिया, यहां से रन पे जाएंगे और इसको रन करवा देंगे, इस तरीके से रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इसमें लिखा हुआ था सब प्रिंट हो जा रहा है। देखिए सारा कुछ प्रिंट हो रहा है कि नहीं, हेलो यू आर विद सूरज सर, वी आर लर्निंग मेथड्स इन पाइथन, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी सी, ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो रही है, मैंने लाइंस, मैंने बहुत सारी लाइंस को ये प्रिंट करेगा।
अब सिर्फ दो ही नहीं बहुत सारी लाइंस को ये प्रिंट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।